ठीक है काफ़ी छोटा गेम है मेरी ब्लैक है और इसके वाइट है और आई uh, थिंक इसका टाइटल मैं रखने वाला हूँ अ क्वीन एंड नाइन ब्लंडर्स बिकॉज मेरी क्वीन और इसके सीरीज ऑफ ब्लंडर्स काफ़ी जल्दी गेम ख़त्म कर देते हैं ठीक है ये लोग बोलते हैं गिव अवे नाइस कम बैक वेन बट uh, कुछ कम बैक नहीं था इसमें आई थिंक uh, uh, सीरीज ऑफ ब्लंडर्स थे मेरी क्वीन जाके सब कुछ ख़त्म करके रही थी सो लेट्स बिगेन छोटा सा गेम है ठीक है किंग के आगे वाला पॉन किंग के आगे वाला पॉन घोड़ा घोड़ा ऊट ऑफकोर्स सबको लगाना होता है यहाँ पर ऊट अपना तो मैंने कहा भाग भगाते हैं इसको तो मैंने पौन आगे बढ़ाया किसने काट दिया मैंने काट दिया मैं यूजली राइट साइड से काटने की कोशिश करता हूँ बिकॉज इट्स इट्स बेटर टू ब्रिंग पॉन्स क्लोजर टू द सेंटर तो वो सब सोच के मैंने कहा ये वाला लगाते हैं लेकिन बहुत दिमाग नहीं लगाया दी अदर कुड हैव है बेटर एज वेल अब मैं अपना ऊट यहाँ पर लगाऊंगा आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा इसलिए ना दूसरा पॉन बढ़ा दिया मैंने कहा ठीक है लड़ाई करते हैं मैंने भी पोन आगे बढ़ाया ये कहने काटना चाहिए था ठीक है इसने काटा अब ऑफ कोर्स मैंने ये वाला पॉन अपना फ्री में दिया है फॉर uh, इसके ये वाला पौन फ्री वाला पौन ताकि जब मैं काटूँ तो इसके मैं घोड़े को भी अटैक कर रहा हूँ तो इसने मेरा पौन काटा मैंने इसका पौन काटा अब इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने गेम का एंड देखा है इसको मेरी रानी काट देनी चाहिए थी थिंक ये uh, uh, सबसे बड़ा ब्लेंडर इस गेम का ये है कि इसने मेरी रानी नहीं काटी देखते हैं इसने क्या किया इसने अपना घोड़ा लगा लिया इसके हिसाब से घोड़ा यहाँ पर लगाने से इसकी रानी बच जाएगी और ये अपने घोड़े से नेक्स्ट मूव में मुझे, मुझे अटैक कर पाएगा ठीक है रानी हिला के कैसल वैसल करके एन थिंग्स लाइक दैट बट उस सब का इसको मौका नहीं मिला बिकॉज हेयर कम्स हेयर कम्स द क्वीन ठीक है तो अब ये क्वीन क्या कर रही है अब ये क्वीन इस घोड़े को देख रही है क्योंकि ये घोड़ा बीच में आया हुआ है बट ये उसको काट नहीं रही है इसको इसको घोड़े को नहीं मारना इसको ये वाला पहुँची चाहिए और इसको ये वाला येवा चाहिए ठीक है दोनों बॉन्स टेस्टी हैं दोनों बॉन्स बढ़िया हैं आ, तुम दोनों में से कोई भी एक दे सकते हो तुम्हें तुम दोनों को नहीं बचा पाओगे ठीक है तो आइडियली इसको ये वाला पॉन बचाना चाहिए आइडली इसको ये वाला पॉन बचाना चाहिए और ये वाला गिव दे दे, दे देना चाहिए मेरे हिसाब से इसको घोड़े से ये वाला पॉन जो मेरा ब्लैक वाला पॉन है वो खा लेना चाहिए क्योंकि एक पॉन जाएगा कहीं ना कहीं से उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो गेम अभी भी इसके कंट्रोल में है बराबरी है बट देख लेट्स सी इसने क्या किया इसने पॉन ले लिया ठीक है गुड ये कह रहे हैं इससे बेटर मूव था वो भी देख लेते हैं ये कह रहे हैं रानी यहाँ पर ले आते तो बेटर रहता क्यों क्योंकि अगर तुम रानी से पौन काटते तो मैं रानी से काट देता और फिर हम इससे क्या फ़ायदा होता ओके okay, पता नहीं आ, ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अच्छा घोड़ा तो ब्लंडर था ही ये कह रहे हैं कि आ, आप रानी यहाँ पर ले आओ इसने अपने घोड़े से इसने घोड़े से मेरा पौन काट लिया इसको समझ में आ चुका है कि इसके अनडिफेंडेड पौन से बचा नहीं सकता तो इसको इसको भी पौन ले लेना चाहिए मैंने अपना खाना पीना शुरू किया मैंने पहले ये वाला पॉन रखा अब मैं इसके हाथी को परेशान कर रहा हूँ और इसके घोड़े को भी परेशान कर रहा हूँ अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका घोड़ा भी अनडिफेंडेड है तो अगर अपना हाथी बचाता है तो इसका घोड़ा जाएगा विद अ चेक ठीक है अब मेरे हिसाब से इसको क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं मेरे हिसाब से इसको घोड़े को यहाँ रख देना चाहिए ठीक है इससे इसका हाथी भी बच जाएगा इसका ये पॉन बचा हुआ है ये पॉन बचा हुआ है और ये दोनों पॉन से इस घोड़े को बचा रहे सो एवरीथिंग इज़ सेफ़ ठीक है और चेक भी नहीं आएगा क्योंकि घोड़ा उस पोजिशन को बचा हुआ है बचाया हुआ है बट इसने ये वाला हाँ मैंने ये पौन काटा इसने अपना घोड़ा नहीं हटाया इसने कहा कि देखो तो जा तो रहा है मैं अपना हाथी बचा लेता हूँ अपना हाथी बचा लिया इसने ये नहीं देखा कि मेरा घोड़ा यहाँ पर आया हुआ हो सकता है मिस्टेक हो सकता है ब्लेंडर हो मैंने इसका घोड़ा ले लिया विद चेक ठीक है अब इसको क्या करना चाहिए अब चेक तो पड़ा हुआ है इसके पीछे वाला पॉन भी मैं खाऊंगा ही अब इसको कुछ ऐसा बीच में लगाना चाहिए जिससे आगे का डैमेज बच जाए ठीक है ऑलरेडी ये मटेरियल लूज़ कर चुका है तो छोटी चीज़ें रख रखनी चाहिए रानी की जगह मेरे हिसाब से ऊँट वगैरह रखना चाहिए और इसने वही किया इसने ऊँट रखा ये कहने रानी रखना चाहिए था बट तो इसने कहा ऊँट रखते हैं मैंने कहा ठीक है फ्री पौन मिल रहा है खाते हैं ओ एक सेकेंड मैंने पॉन नहीं खाया मैंने फिर चेक दिया नाइस इंटरेस्टिंग मैंने फिर चेक दिया तो अब राजा को चेक मिला हुआ राजा क्या करेगा राजा तो हिल नहीं सकता हिल सकता है क्या हाँ राजा ऊपर आ सकता है ऊँट यहाँ पर रख सकता है ये ठीक है बट अगर ये ऊट यहाँ पर रखता है और राजा को बचाने की कोशिश करता है देन आई हैव दिस पॉन ये वाला पॉन जो है मैं फ्री में खा सकता हूँ और उसके बाद मैं इसके हाथी को परेशान कर रहा हूँ वैसे इतना परेशान नहीं कर रहा हूँ घोड़ा घोड़ा हटेगा तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी लेट्स सी इसने क्या किया इसने अपना पॉन आगे बढ़ाया इसने कहा कि नहीं मेरे राजा को चेक मत दो मैं अपने पीसेस नहीं लाऊँगा मैंने कहा ठीक है तो ये पॉन खाते हैं तो मैंने ये वाला पॉन खाया अब प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर हो चुकी है काफ़ी पॉन्स खा चुका हूँ मैं लास्ट में काउंट करेंगे कितने पॉइंट्स खाए मैंने ठीक है अब मैं किसको थ्रेट कर रहा हूँ अब मैं आ, इसके हाथी को अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और हाथी को बचाना है तो घोड़ा हटाना पड़ेगा ताकि रानी इस हाथी को बचा सके घोड़ा तुम यहाँ नहीं ला सकते बिकॉज फ्री में दोगे तो घोड़ा तुम यहाँ पर लाओगे ओनली डिसेंट मूविस घोड़ा यहाँ पर लेकर आना अब मैं इसके हाथी को नहीं खाऊंगा अब क्योंकि घोड़ा इस पौन को भी बचा रहा था तो मैंने ये वाला पौन खा लिया ठीक है ये कह रहे हैं कि इसको वहीं रखो अपने नए अपने नए पीसेस डेवलप करो बट मेरी अभी सिर्फ एक रानी है वहाँ पर इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पॉन्स ख़त्म हो चुके हैं पीसेस ख़त्म हो चुके हैं ठीक है अभी भी ये काफ़ी क्रिटिकल पोजिशन में है ठीक है ये मैंने इसका पॉन खाया अब इसको बेसिकली आ, थोड़ा टाइम मिल गया सांस लेने का लेट्स इसने क्या किया उसका इसने मेरी रानी को भगाने की कोशिश नहीं की मेरी रानी को भगाने की कोशिश की इसने कहा ठीक है रानी हटाते हैं नॉट सीइंग दैट ये रानी अभी भी पॉन खा रही है तो ये वाला पॉन जो शुरू में छोड़ दिया था उसको खाया अब क्या करें अब इसने फिर रानी को भगाने की कोशिश की तो ये बेसिकली इसका गेम चल रहा है कि रानी को भगाने की कोशिश करते हैं ठीक है इसने अपना घोड़ा हटाया इसने कहा चलो मैं अब रानी को अटैक करता हूँ अगेन रानी ने क्या किया फ्री का पॉन खाया तो रानी पहले लेफ्ट साइड गई फिर राइट साइड गई फिर वापस लेफ्ट साइड आ गई तो ये पॉन खा रही है बैठ के ठीक है और अब ये क्या करेगा चेक दे सकता है क्या मुझे चेक नहीं दे सकता घोड़े से चेक देगा तो मेरा पॉन खा लेगा इसको हाँ चेक नहीं दे सकता ऊँट भी है राजा बिल्कुल एकदम सामने के दोनों पॉइंट्स नहीं है इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने के दोनों पॉइंट्स नहीं है दोनों हाथी Uh, कोने से बीच में आ चुके हैं लेकिन अभी भी मेरे राजा को तुम चेक नहीं दे सकते ठीक है तो और मैं इसके तुम्हारे राजा को दे सकता हूँ अगले ही मूव में चेक दे सकता हूँ यहाँ पर रख के तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है वाइट के लिए इसने अपना घोड़ा यहाँ पर रखा यहाँ पर लाने का क्या कारण हो सकता है आ, ये वाला पॉन बेसिकली ये पॉन लेना चाह रहा था मेरा बट मैंने कहा चेक और अब ये थक चुका था इसने कहा चलो सरेंडर करते हैं मेट नहीं है ये अब ये बेसिकली पॉन हटाएगा कुछ ना कुछ बीच में हटाएगा या राजा हटाएगा राजा हटाएगा तो मैं यहाँ से कुछ चेक फेंक दूंगा और कुछ बीच में हटाएगा तो मैं फिर रानी से चेक दूंगा तो आई एल कंटिन्यू मान लो इसने ऊट यहाँ पर रखा तो आई एल कंटिन्यू विद दिस चेक अब बेस्ट मूव इसका यही है कि रानी बीच में लाएगा और मैं रानी और रानी कर लूँगा या फिर या फिर या फिर ये ऊट यह यहाँ पर नहीं ऊँट नहीं ला सकता तो बेसिकली मैंने फोर्स रानी टू तो रानी सेक्रीफाइस करवाना है ये ले चेक और ये मेरी रानी काटेगा और मैं इसका ऊँट काटूँगा और ये मेरा ऊँट काटेगा तो अब इसके पीसेस डेवलप हो चुके हैं मैं मेरा मेट तो नहीं है इस सिचुएशन में आई थिंक अभी भी मैं ही जीत रहा हूँ बहुत ज़्यादा मार्जिन से मैं जीत रहा हूँ बट इसने बीच में ही जब इसको ये वाला चेक पड़ा जैसे ही मेरा दूसरा पीस आया रानी ने जितना खाना था खा लिया जैसे ही मेरा दूसरा पीस आया इसने सरेंडर कर दिया बस हो गया भाई और नहीं खेलना तो अब एक फटाफट रिवाइंड मारते हैं रानी ने कितने पॉइंट्स उठाए ठीक है पॉप क्विज देखते हैं काटा काटा ये रानी यहाँ पर आ चुकी है ठीक है तो अब देखते हैं गिरना शुरू करते हैं सो so वन ठीक है घोड़ा तीन पॉइंट्स होता है तो वन के बाद थ्री फोर फोर पॉइंट्स मैथ की क्लास में uh, अभी चेक दिया फाइव सिक्स सेवन एट आठ आठ पॉइंट खाए मैंने रानी नौ पॉइंट्स की होती है तो ये था छोटा सा क्विक गेम ऑन अ क्वीन एंड नाइन ब्लंडर्स